खबर है, रामनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बताया जा रहा है 14 अक्टूबर 2018 को विनीता रावत पत्नी सत्येंद्र सिंह निवासी मानसरोवर कॉलोनी पीरू मदिरा की रहने वाली हैं। इनकी तहरीर के आधार पर यह महिला एक विवाह समारोह से वापस घर आ रही थी। घर आते समय मेन रोड पर प्लैटिनम मोटरसाइकिल से दो युवकों द्वारा इनका पर्स छीन लिया गया। इस बात की शिकायत महिला ने पुलिस में दर्ज कराई। महिला को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा पर्स में महिला एक एटीएम कार्ड, पैन कार्ड व पति का कैंटीन कार्ड तथा साथ ही चेकबुक व 5,000 नगद रुपए थे। उक्त संबंध में कोतवाली रामनगर में मुकदमा अपराध संख्या 272/18 धारा 382 में पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के खुलासे हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल जन्मेंजय खंडूरी द्वारा 14 अक्टूबर को रामनगर क्षेत्र में घटित घटना के संबंध में तत्काल अनावरण करने के आदेश करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी अमित श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी रामनगर लोकजीत सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रामनगर रवि कुमार सैनी आदि पुलिस अधिकारियों की सहायता से आरोपी को पकड़ा गया। बताया जा रहा है 19 अक्टूबर 2018 को मधुबन कॉलोनी पीरू मदिरा को जाने वाले रास्ते में घटित घटना में संलिप्त अभियुक्त सोनू पुत्र अत्तन खान निवासी कटियालपुर नंबर पीरू मदिरा रामनगर, दूसरा अभियुक्त जुबैर पुत्र लियाकत निवासी उदयपुरी चोपड़ा पीरू मदिरा रामनगर को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान वादनी का पर्स चेकबुक तथा 4,800 रुपए बरामद किया गया। पिछले कुछ दिनों से फिरुमदारा क्षेत्र में छापेमारी की शिकायत आ रही थी, तो इस पे इंस्पेक्टर रामनगर और फिरुमदारा चौकी इंचार्ज के अंतर्गत टीम बनाई गई थी। तो इन्होंने दो युवकों को गिरफ्तार किया जिनके पास से एक लूट का माल बरामद हुआ है जो एक महिला के साथ की गई थी, उसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। और इस ये लोग अक्सर अकेली महिला या फिर जो महिला जिसके पास सामान हो उसको टारगेट करते थे और उसी के तहत टीम इसमें सक्रिय थी और उन्होंने आज सफलता प्राप्त कर इनको गिरफ्तार किया। टीवी न्यूज चैनल के लिए कलीमुद्दीन के साथ उधम सिंह राठौर की रिपोर्ट, टीम टीवी न्यूज चैनल, रामनगर, उत्तराखंड।